बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं धनिया, पुदीना और अनारदाना की ऐसी चटनी बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है। इसको आप बना करके एक सप्ताह स्टोर रख सकते हैं और हम इसको अच्छे से खा सकते हैं। ये चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत ही मुफीद चटनी है। साथ ही साथ डाइजेस्ट भी अच्छा से होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटनी को। ये देखिए, हमने मिक्सर की एक जार ले ली है जिसमें 1 हैंडफुल हम पुदीना की पत्तियों को ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ हम 1 हैंडफुल धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं और इसमें हम अनारदाना ऐड कर देते हैं। ये आधा अनार को हमने लिया है और ये देखिए, हम इसमें टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ली है। 5 से 6 हम हरी मिर्च ले लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं और एक टुकड़ा अदरक का हम छील छाल करके ले लिए हैं काट करके। इसको हम डाल देते हैं और 1 चाय की चम्मच हम भुना कूटा जीरा ले लिए हैं, इसको डाल देते हैं। ये दो नींबू को हमने निचोड़ करके ले लिया, इसको हम डाल देते हैं इसमें। आप नींबू की जगह पर थोड़ी सी इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड कर देते हैं। अब इसको हम बिना पानी दिए हुए अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा चटनी पीस करके अच्छा सा रेडी हो गया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट हम बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको खाली कर लेते हैं जार में। ये चटनी हम जब भी आप चटनी रखें तो आप शीशा का बर्तन में रखें, बहुत ही अच्छा होता है। शीशा के बर्तन में ख़राब भी नहीं होता है, प्लास्टिक का बर्तन में ना रखें। यह चटनी बहुत ही मुफीद चटनी है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। ये चटनी हमारा अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं चटनी का लुक, और बहुत ही खाने में मज़ेदार भी लगता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी अच्छा चटनी होता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत ही मुफीद चटनी है। हम इसको हमेशा बना के रखते हैं क्योंकि हमने इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ही फ़ायदा नज़र आया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी चटनी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।